नहीं हो, लेकिन गुंडे वाला भाई आएगा। आज हम ट्राई करने वाले रॉयल एनफील्ड का ये वाला मॉडल, जो कि एक हैवी मशीन है। रॉयल एनफील्ड का आवाज तो आपको पता ही, एकदम तगड़ा वाला साउंड है, लेकिन ये हैवी मशीन को मैं इसके पहले कभी ट्राई नहीं किया हूँ। आज हम ट्राई करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं ये हैवी मशीन को ट्राई करके देखते हैं। साउंड को तगड़ा है ही, बस देखते हैं कि चलाने में कैसा कुछ फील आ रहा है। साउंड से ये लग रहा ना मुझे कि इसका साइलेंसर चेंज है। डिफॉल्ट साउंड आता है बाइक के साथ, वो वाला साउंड ये नहीं है, ये तो चेंज है साउंड है ना, एकदम जैसे फैक्ट्री में साउंड, बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं उस टाइप का साउंड होता है। तो अभी हम ये चला के देखते हैं। सो फाइनली हम ये हैवी मशीन को चला ले, भाई साहब जो फील आ रहा है ना, ट्राई तो कर लिए, अभी चलते हैं बस घर की तरफ। और अभी जो सीन है ना गांव का, ये देखो अभी थोड़ा बहुत धान खेती हुआ है, इस तरह से हमारा गांव का एंट्री होगा अभी ये बुलेट में, बुलेट राजा। बाइक तो हैवी था, उसके साथ फील कुछ ऐसा था जैसे हाथी के ऊपर बैठा। ऑब्वियसली बात है कि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह नॉर्मल फाइबर के जगह पे उसका जो प्योर मेटल लगा है। और राइड करने के टाइम पे ऐसा लगा था ना, फिल्मों में जैसे हीरो जैसे जैसे चुन्नी उड़ा के जाता है ना आगे आगे, और हीरो उनके पीछे उड़े चल चल के स्लो मोशन में आते हैं, फील कुछ ऐसा था बाइक के ऊपर में। तो शॉर्टली बताऊँ तो अब गुंडा नहीं हो, लेकिन गुंडे वाला भाई आएगा, दादा वाला भाई आएगा। मैं तो कोई पर्टिकुलरली रिव्यू नहीं दे रहा हूँ बाइक के ऊपर, जब हम बाइक लाएंगे तब रिव्यू आएगा। मैं इसे लाइक नहीं करता, ये इसे छोड़ो साइड करो इसे। हमारा तो RTR है, निंजा है, वेनिली है, ये सारे हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग, सी यू अगेन विद अ new and interesting block. Till then, bye bye.